हम लोग खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में, जहां सुनील यादव जी ओबीसी को मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को घेरने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं जोगिंदर डोगरा। दिल्ली के जो लोगों की जरूरतों के हिसाब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक आप लोग जानकारी देना चाह रहा था कि जो 1993 के बाद से कुछ, क्योंकि 1993 से पहले जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी 80 लाख 90 लाख 75 लाख के करीब थी, लेकिन 1993 के बाद दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों से, देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से बहुत सारे लोग, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ पे लोग काम के सिलसिले में अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, जो अपने गांव या अपने प्रदेश में सुविधा नहीं मिलती वो दिल्ली देश की राजधानी में जाकर हमको मिल जाएगी, ये सोच लेकर काफ़ी लोग दिल्ली में 1993 के बाद आए। उसमें से बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े परिवार जो ओबीसी समाज से आता है, जो 3000 से ज़्यादा जातियां केंद्र सरकार में ओबीसी समाज में आती हैं और उनको आरक्षण केंद्र सरकार या राज्य सरकारें समय समय पर देती हैं, जो एक लॉ कानून बना हुआ है। 93 के बाद जब लाखों लोगों ने दिल्ली में प्रवास किया तो उसमें से बहुत सारे लोग, चाहे वो पूर्वांचल का बहुत बड़ा हिस्सा हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, या साउथ का कोई भी देश या किसी भी राज्य से कोने से लोग आए, जो प्रवासी ओबीसी भाई थे हमारे, वो 1993 से 2023 तक दिल्ली में रह रहे हैं। उसके बीच में कई चुनाव आए, कई चुनाव गए। दिल्ली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक वादा किया उन ओबीसी प्रवासी भाइयों से कि जब मेरी सरकार बनेगी या दिल्ली का जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं जो प्रवासी ओबीसी हैं 93 के कुछ साल पहले या 93 के बाद से जो प्रवासी ओबीसी भाई हैं जो किसी भी राज्य से आए हैं, उनके सर्टिफिकेट का सरलीकरण करूंगा। उनके सर्टिफिकेट को बनाने में दिल्ली सरकार जो कानून उनके आड़े आता है उसको मैं ख़त्म करूंगा। तो मैं उस कानून के बारे में जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि जब भी हम कोई सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, मानो मेरा नाम सुनील यादव है, मैं अपना ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ और हम सब लोगों की ये टीम है, हमने इस इशू पे काम किया है, इस इशू की जानकारी इकट्ठी करी, फिर हमने कहा कि अब इसको दिल्ली के लोगों को अवगत कराना चाहिए इस बारे में कि ये बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है कि जब हम लोग, मानो मैं सुनील यादव हूँ, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से मैं आता हूँ, प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला, जौनपुर का, वहाँ से जब मैं आके मैंने यहाँ पे रहना शुरू करा, मैं जब सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया या मैंने ऑनलाइन उसको अप्लाई किया तो एक जगह पे जाके मेरी सुई अटकी। वहाँ पे ये लिखा गया था कि आपका सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब 1993 से पहले का डोमिसाइल दोगे, निवास प्रमाण पत्र दोगे, आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो 93 से पहले दिल्ली में आकर रहता है। जब मैं आया 1993 के बाद हूँ तो मैं सर्टिफिकेट दे कैसे सकता हूँ ओबीसी का, या मेरा कोई परिवार या मेरे बाप दादा कभी कोई दिल्ली में आए नहीं थे तो मैं वो सर्टिफिकेट या पुराना डोमिसाइल देता कैसे 93 का। तो 1993 से लेकर आज 2023 तक 30 साल हो गए इस बात को और लाखों लोग दिल्ली में आके बसे, तो सबके साथ ये समस्या आ रही होगी। मैंने तो वो सर्टिफिकेट बनाया नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को मैं जरूर उठाऊंगा क्योंकि मुझे हो सकता है जरूरत ना हो, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवार जो एक सपना लेके दिल्ली में आए थे कि हम दिल्ली जाके अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, अपनी परिवार की खुशहाली के लिए काम करेंगे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे क्योंकि मैं अपने राज्य में ओबीसी समाज से आता हूँ, केंद्र की सूची में भी मैं ओबीसी समाज में आता हूँ और मैं दिल्ली में आकर अपने बच्चों का भरण पोषण करूँगा, लेकिन जब समय आएगा मेरा बच्चा 12वीं पास करेगा तो कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाएगा तो उसको इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी और वो ओबीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं ओबीसी हूँ अपने राज्य में और केंद्र सरकार में, तो दिल्ली सरकार भी मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ का वोटर आई कार्ड है, मेरे पास यहाँ का आधार कार्ड है, मेरे पास यहाँ बैंक का अकाउंट है, मेरे बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, मुझे 3 साल से ज़्यादा दिल्ली में रहते हुए हो गया है, मेरे पास यहाँ का राशन कार्ड है, तो मेरे बच्चों को जरूरत है।
लेकिन जब वो अप्लाई करने जाता है तो उसको यही समस्या आता है कि 1993 से पहले का आप सर्टिफिकेट दिखाओ तभी बनेगा। तो पिछले 30 साल से हमारे प्रवासी ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा, जबकि हमारे पूर्वजों ने, पूर्व की सरकारों ने ये व्यवस्था करी थी कि सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए। उसी के आधार पर ये ओबीसी तय हुआ था कि जो पिछला शोषित है, गरीब है, जो अलग राज्यों में रह रहा है, दिल्ली में आके काम कर रहा है, तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने, केंद्र दिल्ली सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में प्रवासी ओबीसी भाइयों का वोट तो ले लिया, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने का सरलीकरण का उनका वादा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसमें दो चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जरूरत किसको है ओबीसी सर्टिफिकेट की, कभी क्रीमी लेयर की बात होती है, कभी और चीजों की बात होती है। तो अगर हम कहते हैं कि जो रेडी पटरी लगाते हैं दिल्ली में, जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा वोटर हो सकता है, गरीब तबके का वोट फ्री के चक्कर में केजरीवाल जी को वोट दे रहा है, तो जो बेचारे अलग प्रदेशों से आए हैं, कोई रेडी पटरी लगा रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई घरों में काम कर रहा है, कोई अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहा है, कोई किराएदार बन के रह रहा है, कोई फुटपाथों पे रह रहा है, ऐसे परिवारों को आगे आने की जरूरत है। इन लोगों को सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत है। इन्हीं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय को पूरा करने के लिए उन्होंने वादा किया और उनके बहकावे में लोग आ गए और वो आज तक उन्होंने कदम नहीं उठाया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो 5 तारीख हमारा जंतर मंतर पे हमने एक दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना रखा है, और ये एक ऐसा विषय है, इसमें सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक नेता, सबको इसमें साथ देना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता के जो भी प्रवासी ओबीसी भाई हैं उनको सवाल पूछना चाहिए जाके अपने, चाहे वो काउंसलर हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, या कोई भी नेता है, या मुख्यमंत्री है, दिल्ली सरकार का मिनिस्टर है, उससे जाके ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे सर्टिफिकेट का क्या। अगर मैं यादव हूँ और मैं यूपी में ओबीसी हूँ, केंद्र सरकार की सूची में हूँ, तो मेरा सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन रहा, जिसका मैं हकदार हूँ और मैं क्रीमी लेयर से नीचे भी आता हूँ। तो हमारी जो ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति है, मैं बाकी की सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लें। अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते तो हम सांसदों के पास भी जाएंगे, हम दिल्ली के सब नेताओं के पास जाएंगे, सब पार्टियों से संपर्क करेंगे और हो सका तो केंद्र से भी बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो उसको अपना वादा निभाने के लिए इसमें काम करना चाहिए था। तो मैं केजरीवाल जी को आप लोगों के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाए, और जो ओबीसी प्रवासी भाई हैं जो 1993 के बाद दिल्ली में आके रहे हैं, उनका उनको अधिकार दें, जिससे उनके बच्चों के भविष्य का जो खतरा पिछले 30 सालों से बना हुआ है, जो किसी बच्चों का एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाया, कईयों की नौकरी नहीं लग पाई, वो आने वाले समय में ऐसा ना हो। क्योंकि हम ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति के नाते अगर कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक दल या आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री या केजरीवाल हमारा साथ नहीं देता, तो हम उसका आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जन जागरण अभियान पूरी दिल्ली में चलाएंगे कि किस तरह से केजरीवाल जी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा, दिल्ली सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा और उस वादे को पूरा नहीं किया। तो हम लोग इस विषय को लेकर आए हैं जो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत लाखों परिवारों को इसका फर्क पड़ने वाला है दिल्ली में, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि दिल्ली सरकार इसको पूरा ना करे। इस वजह से हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं कि बहुत ही गंभीर इशू पे मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाह रहा था, और हम 5 तारीख को एक आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पे धरना रखेंगे केजरीवाल दिल्ली सरकार के खिलाफ। अगर उनकी सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे और उनके घर पर हम जाके प्रदर्शन करेंगे, और अगर उसकी भी बात नहीं बनी तो पूरी दिल्ली में हम चक्का जाम करेंगे और उनके नेताओं का घेराव करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस जो समस्या उसका समाधान दिल्ली सरकार करे और जो ठोस कदम उठाने चाहिए इसकी समस्या के लिए वो उठाए। तो मेरा आप लोगों को इस गंभीर विषय पर जानकारी देने थी कि पिछले कई सालों से कई परिवारों पर 30 सालों से जो अन्याय हो रहा है, जिनके भविष्य खराब हुआ है, वो आने वाले समय पर ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे जो इफेक्टेड लोग हैं वो 93 के बाद दिल्ली में आके अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को इसकी जानकारी देनी थी। और जब हम लोग एक ये फॉर्म भरने जाते हैं, ये दिल्ली सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फॉर्म है, जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि 93 से पहले का डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा।
तो ये तो ये फॉर्म ही बताता है कि 1993 से पहले ही आपको दिल्ली का वासी होना चाहिए, अदरवाइज आपको तो बनेगा नहीं। तो हम इस फॉर्म के इस लाइन के खिलाफ हैं कि इस लाइन को हटाओ, जिसको 3 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं, जिसके पास दिल्ली का आई कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक में उसका अकाउंट है, उसका ये, और वो दिल्ली का निवासी है और उसका प्रमाण पत्र ओबीसी का बनना चाहिए, ये हमारी दिल्ली सरकार से मांग है और दिल्ली सरकार ने ये बात अपनी मैनिफेस्टो में लिखी थी। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस लाइन को खत्म करें कि 93 से पहले का डोमिसाइल या प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो है, उसके 21 नंबर का जो पॉइंट है उस पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई हम ओबीसी का सरलीकरण करेंगे सर्टिफिकेट का। उसमें उन्होंने लिखा है कि ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मापदंड तय करेंगे हम, ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए 1993 से पहले के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के खिलाफ है, हम इसको और सबके लिए मतलब ओबीसी प्रमाण पत्र सबका हम बनाएंगे, ऐसा उन्होंने वो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, वो मैं आपको दे दूंगा इसको। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी इस मुहिम में आप लोग साथ दें, और क्योंकि हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उन्हीं लोगों को जरूरत है, चाहे वो रेहड़ी पे हैं, पटरी वाले हैं, या किराएदार हैं, जिसके मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, कोई फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो सब लोग का अधिकार है दिल्ली में आके रहने का, और अपने अधिकारों का लेने का भी उन लोगों का अधिकार है। तो इस इशू को लेकर हम लोग आए हैं। इन्होंने दिल्ली सरकार ने कंडीशन लगाई हुई है कि 93 से पहले का ही डोमिसाइल चाहिए, वो इतना बड़ा फॉर्म मैंने फोटोकॉपी करा के आपको दिखाया कि 93 से पहले का ही डोमिसाइल चाहिए। इसका मतलब है कि या तो गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनेगा, और रिश्वत भी लेंगे तो 93 से पहले का आपको अपने परिवार में किसी का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। मेरा सवाल यही है कि जब मैं 93 के बाद आया हूँ तो मेरा तो सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूपी का रहने वाला, यादव समाज का मैं आने वाला, ओबीसी की लीडिंग कमेटी का रहने वाला, मैं खुद प्रतापगढ़ जौनपुर से आया हूँ। मेरा सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बना कि मैं 1993 के बाद से आया हूँ। क्या मैं ओबीसी हूँ कि नहीं हूँ? अगर मैं यूपी का प्रमाण पत्र मेरे पास है ओबीसी का, और केंद्र की सूची में मेरी जाति ओबीसी में आती है, उसका प्रमाण पत्र है, तब भी नहीं बनेगा। आपको 93 से पहले दिल्ली का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। यादव जी, बात ऐसी है कि कास्टिज्म की जो बात है, तो ये तो एक मानते हो कि सेंट्रल का मामला है, तो दिल्ली स्टेट का तो मामला है ही नहीं पहले जी, तो ठीक है जी। और दिल्ली में जहाँ तक बात करें, दिल्ली में ना एसटी की मान्यता है ना ओबीसी की मान्यता, एससी वो भी है जो कैटेगरी सेंट्रल ने घोषित कर रखी है, ठीक है ना जी। और बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी में है ही, हमारे प्रधानमंत्री भी अपने आप ओबीसी की कैटेगरी मानते हैं। तो आप ने सुबह दिल्ली सरकार ने तो लिखा कि वो हम उसको कैटेगरी को सरलीकरण करेंगे, लेकिन ये मैटर जब वो अपने हिसाब से वो अमेंडमेंट पास करेंगे, तभी तो दिल्ली जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंडमेंट लाएगी, तभी ये मान्यता हो सकती है ना दिल्ली में। दिल्ली को मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूँ और मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों के वोट लेने, उन लोगों के जो प्रवासी ओबीसी भाई अलग राज्यों से दिल्ली में आए हैं, और मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको करवाऊं, वरना मुझे मैनिफेस्टो में नहीं लिखना चाहिए था। अगर मैंने मैनिफेस्टो में लिखा है तो मुझे केंद्र सरकार हो या राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, चाहे एलजी के पास जाना पड़े, मुझे उसका खाका तैयार करके केंद्र सरकार को एलजी को देना चाहिए। तो हमारी मांग है, वोट तो आपने लिया, सरकार तो आपने बनाया, तो केंद्र सरकार के पास अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, तो केजरीवाल को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये आपका मामला है तो 1993 से चला आ रहा, तो किसी न किसी को तो मैंने चुनाव तो अभी लड़ा है ना केजरीवाल ने, 2020 का मैनिफेस्टो निकाला है। अगर आप किसी को फायदा लेने चाह रहे हो तो उस काम को आपको करना ही पड़ेगा। दिल्ली में अगर आप कहते हो कि 50% पॉपुलेशन ओबीसी की है, तो दिल्ली में जितने लोग 93 के बाद से आए हैं, मानो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों का अगर प्रवासी के रूप में दिल्ली में आ रहे हैं, तो उसका 50% लोग ओबीसी के लोग हैं उसमें, 50 से 60% लोग, तो इतने परिवारों को इससे फर्क पड़ रहा है।
सुनील जी एमपी तो आपके हैं हाथों, दूसरा ये कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास का आपका कोई प्रतिनिधिमंडल गया है, मिला है, इस बारे में बातचीत हुई है? हमने केजरीवाल का मैनिफेस्टो पढ़ा, हमें लगा कि केजरीवाल ने इसमें ओबीसी के बारे में लिखा हुआ है। केजरीवाल जी को कई बार पत्र भी लिखा गया है, केजरीवाल जी से इसकी जानकारी देने की कोशिश की है कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, एक कदम बढ़ाइए तो 10 कदम हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। क्योंकि आपने वोट लिया है, आपने या तो दिल्ली की जनता को ठगा ओबीसी परिवारों को। राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में ओबीसी प्रवासियों को, जो महाराष्ट्र में बाहर से लोग आए थे, उन पर उन्होंने हमला किया था, अपनी पॉलिटिकल गेन लेने के हमला किया था, लेकिन प्रवासियों ने उनका क्या हाल किया? आज वो राजनीतिक दल बना लिए लेकिन उनके पीछे 10 आदमी खड़े नहीं है। वही केजरीवाल ने अगर मैनिफेस्टो में लिख के उनका वोट ले लिया तो राज ठाकरे और केजरीवाल में क्या फर्क है? उन्होंने डायरेक्ट मारा, इन्होंने इनडायरेक्ट मार रहे हैं। तो इनको केंद्र सरकार से जो इन्होंने लिखा हुआ है, हम तो कह रहे हैं वही आप पूरा करो, आप आगे बढ़ो, हम सब उनके साथ होंगे। लेकिन हाँ, हर बार अगली बार भी चुनाव आएगा और वो हमारा वोट ले लेंगे यही कह के कि हम इसको ठीक करेंगे, तो केजरीवाल जी और उनकी सरकार की गलत बात है। और कोई मांग नहीं है, हमारी मांग ये, हमारी सीधी सी मांग ये है कि जो भी प्रवासी ओबीसी है वो अपने राज्य में ओबीसी है, केंद्र सरकार की लिस्ट में ओबीसी है और दिल्ली में आके रह रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। बस इतनी सी हमारी मांग है, इसके आगे पीछे कोई मांग नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये बात आपकी मान ली जाए या मांगी जाए? अभी हम, अगर ये हमारी बात अभी केजरीवाल जी को दोबारा से हम अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, LG के पास भी भेजेंगे, अगर वो नहीं मानते तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और उनको जगाएंगे कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा, अब इस पर आप कदम बढ़ाइए और ओबीसी जो प्रवासी समाज दिल्ली में रह रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके बच्चों का एडमिशन क्यों ना हो। अभी सांसदों को डालेंगे, LG को डालेंगे, केंद्र सरकार को भी डालेंगे, केजरीवाल को भी डालेंगे, केजरीवाल का घेराव करेंगे और बोलेंगे कि भाई तुम खाका तैयार करके अपना जहां पे देना इसको लागू करवाओ। अभी मैं केजरीवाल के सामने मैं खुद चुनाव लड़ाऊ नई दिल्ली विधानसभा से, मैं दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा ये कार्यक्रम, मैं एक ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति हमने बनाई है उसकी तरफ से कॉमन कर रहे हैं कि इसमें सभी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके, सभी प्रवासी ओबीसी भाई लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। अगर केजरीवाल सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखा तो हम कोर्ट में क्यों जाए? उन्होंने जनता में लड़ाई लड़ी है तो हम जनता में लड़ाई लड़ेंगे ना, जनता को जागरूक करेंगे कि आप लोगों का वोट ले लिया इसने, बाकी जैसे चीजों पे वोट लिया है, चाहे CCTV कैमरे की बात करो बंद कर दिया उन्होंने, मार्शलों की बात बंद कर दी, स्कूल बनाए नहीं, कॉलेज बनाए नहीं, तो हम जब सब लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हम भी अपना अधिकार मांगेंगे। कौन सी तारीख? अच्छा हाँ, मैं उस बात का मानता हूँ कि जब 26 जनवरी आती है, हमको एनआरकिस तो है नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया मैं तो 26 जनवरी होने नहीं दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानेंगे, तो अगर रिपब्लिक डे के टाइम पे हमारा कोई कार्यक्रम आ गया और हमारा पुलिस कमिश्नर या कोई बात रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ सकती है, तो हमने बढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी थी, जो 30 साल से पेंडिंग था उसको 5 दिन और बढ़ाने में कोई हर्ज ही नहीं था, इसलिए हमने इसको पोस्टपोन करके आगे 5 फरवरी का जंतर मंतर पे हम लोग धरना करेंगे, उसके आगे भी लेके जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, उसके घर का घेराव करेंगे, मंत्रियों के पीछे पड़ेंगे, करवा के मानेंगे हम इसको। स्टेट से नहीं, बाहर के लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं है, दिल्ली में प्रवासी देश के किसी भी राज्य से ओबीसी भाई जो दिल्ली में आके रह रहा है और वो प्रवासी है और उसको 93 से पहले का डोमिसाइल नहीं है, उन सब का ये आंदोलन है। और राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टियों को भी मेरी चेतावनी है कि वो लोग इसमें हस्तक्षेप करें और हमारा साथ दें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आके हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो भी भाई अगर आपको राजनीतिक पार्टी हो, आपको चुनाव जीतना है तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दिल्ली बदल गई है, अब ये पूर्वांचली ओबीसी प्रवासी सब लोग दिल्ली में आके भर गए, राज ठाकरे हम किसी को बनने नहीं देंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोग आए। वो 93 के बाद का भी चल जाएगा और आपको 1993 से पहले का निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका डोमिसाइल दिल्ली का होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो उन्होंने इस पर कोई कदम उठाया नहीं, तो लाखों जो प्रवासी ओबीसी भाई हैं उनके बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे, किसी की नौकरी नहीं लग पा रही, कोई नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाता, तो हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए। तो आगे क्या रहेगा, जैसे 5 तारीख को आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है? हम केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद पूरी दिल्ली में चक्का जाम करेंगे,
और गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार को याद कराएंगे कि आपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, उसका इंप्लीमेंट करो। उनको चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक कि वो ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई हम लोगों के लिए बीच में मैदान में नहीं आते। ये ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, 2020 में वो सत्ता में आए थे, तीसरी बार ओबीसी वोट बैंक की बदौलत ही आए थे, तो इस तरह से खारिज करना ओबीसी समाज को और वो कैसा देखा? वो केजरीवाल जी ने वोट तो उनको ले लिया, ये उनको आने वाले चुनाव में अगर इसको नहीं इम्प्लीमेंट करवाते तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा 50% दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी समाज की आती है, वो अलग अलग राज्यों से भी दिल्ली में आके बसे हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पे किसी को आकर रहने का अधिकार है, उसको डोमिसाइल बनाने का अधिकार है और जो सरकार उसको अधिकार देती, चाहे वो ओबीसी का हो एससी एसटी का हो, तो उनको सब लेने का अधिकार है। तो आने वाले समय में चाहे कोई भी चुनाव हो, दिल्ली सरकार को ओबीसी के समाज के लोग सबक सिखाएंगे अगर वो हमारे काम में दखल नहीं देते। सुनील जी, आप खुद भी विधानसभा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ चुके हैं, तो क्या ये कोई राजनीतिक एक तरह से कहें कि आंदोलन है या सिर्फ ओबीसी समाज का ही? नहीं, उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम वो भी 93 से पहले के डोमिसाइल का सरलीकरण करेंगे और सबके सर्टिफिकेट बनेंगे, फायदा उन्होंने उठाया, वोट उनको मिला, सरकार उनकी बनी है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं कि भाई जो तुमने कहा था उसे पूरा करो। तो केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था उस बात पे आप आइए और जो 93 से पहले का जो शर्त है प्रमाण पत्र दिखाने की उसको खत्म करें और सबका प्रमाण पत्र ओबीसी का बनाएं। दिल्ली में दूसरे राजनीतिक दलों से क्या कहेंगे? सबसे कहते हैं कि भाई क्योंकि आप लोग राजनीति करते हैं, आपको वोट बैंक की जरूरत है तो आप हमारा साथ दें, अन्यथा ये आपको चुनाव में सबक सिखाएगी ओबीसी समाज के लोग, जो प्रवासी लोग। ठीक है, शुक्रिया।